दोस्तों गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर 101 कैसे हैं आप सभी लोग सो so, दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की आज का करंट अफेयर क्या है इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर में सो so, आज तारीख है ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर और समय हो गया है दोस्तों मॉर्निंग करंट अफेयर का सो मॉर्निंग करंट अफेयर में आप जुड़ गए मेरे साथ सो so, दोस्तों एक बार फटाफट से लाइक like कर दो शेयर कर दो ताकि बाकी लोग जो है वो हमारे साथ में कनेक्ट हो सके ठीक है So, एक बार जल्दी से शेयर कर दो ताकि सभी लोग जो है हमारे साथ कनेक्ट हो सके मैं देख पा रहा हूं काफी लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों आज ये फटाफट हीरान जूली मोनिका संजू प्रीति हयात निकिता नजूर बादल राकेश नारायण शुभम अजहर सीमा माही आशुतोष फटाफट आ जाइए दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर कर दो सेशन को ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में यार कनेक्ट हो पाए और सेशन को देख पाए गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग सभी को प्यार भरा नमस्कार

चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अब आप कोई क्लास नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आ, आपने इनमें से किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अनकेडमी ऐप की बात करता हूं मैं दोस्तों अनकेडमी ऐप के ऊपर जो मिलती है आपको ये मिलती है स्पेशल क्लास जो स्पेशल क्लास होती है दोस्तों ये फ्री होती है आप लोगों के लिए है ना इसके बाद होती है क्विज तो क्विज डे है आज मंडे क्यूज क्विज डे तो आज हम क्विज भी करेंगे तो क्विज होती है दोस्तों आपका ये भी फ्री होती है आपके लिए और जो एक लास्ट चीज है जो प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दिस इज पेड

ठीक है अगर आपको याद हो तो यार फिलहाल वैसे कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम पे एकमात्र जो थेरेपी है एकमात्र जो इलाज बताया जा रहा था कोरोना का वो क्या है दोस्तों आपका वो था प्लाज्मा थेरेपी हम सब लोग बोल रहे थे कि कोरोना का एकमात्र इलाज जो है वो है कोरोना थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको आपका दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट भी किया गया था इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल साहब जो है उन्होंने प्लाज्मा बैंक भी बनाया था दोस्तों प्लाज्मा डोनेशन के लिए उन्होंने बात भी की थी है ना आप सभी लोगों से मतलब आपने देखा होगा रेडियो पे केजरीवाल जी के भाषण आते थे कि पहला प्लाज्मा बैंक जो था वो दिल्ली में स्थापित किया गया था दुनिया का साथ ही इंडिया का साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपील की थी लोगों से कि यार प्लाज्मा डोनेट करो सर ये प्लाज्मा क्या होता है देखो यार आपका ब्लड होता है ना उसके अंदर एक थिक येलो कलर का पार्ट होता है एक फ्लूड होता है ये भी एक तरल पदार्थ होता है आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये जो येलो पार्ट जो होता है जो जो जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं ना इस प्लाज्मा के अंदर में हमारी बॉडी की जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है ना वो इसी के अंदर होती है हमारा जो इम्यून हमारी जो पावर होती है इम्यून पावर वो होती है इसके अंदर एंटीजेंस होते हैं अब मान के चलो कोई बंदा जिसको कोविड नाइन्टीन हुआ था बट वो ठीक हो गया रिकवर हो गया इसका मतलब उसकी बॉडी में वो डिजायर्ड एंटीजन बन गए जिससे कोविड नाइन्टीन से लड़ा जा सकता है आप समझ रहे हो हमारी बॉडी जो है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है दोस्तों कोई भी बीमारी होती है कोई भी बीमारी इस पर अटैक करती है तो ये खुद उसको क्या कर सकती है दोस्तों उसे रिकवर कर सकती है बट थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है हम उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेते हैं अब कोरोना एक नया वायरस है तो हमारी बॉडी के अंदर इसके खिलाफ जो प्रतिरोधक क्षमता अब उत्पन्न नहीं हुई अभी तक लेकिन कुछ केसों में जो लोग ठीक हो गए कोरोना हुआ ठीक हो गए इसका मतलब उनकी बॉडी में वो प्रतिरोधक क्षमता जो है उनके जो इम्यून सिस्टम है उनके अंदर में वो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उत्पन्न हो चुकी है वो डेवलप हो चुकी है तो वो जो एंटीजन बनते हैं वो कहां पाए जाते हैं दोस्तों आपके प्लाज्मा के अंदर तो अगर मैं मान लो कोई ठीक हुआ बंदा है उसका प्लाज्मा में निकाल के किसी दूसरे रोगी बंदे में अगर उसका प्लाज्मा डाल देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई उसकी एंटीजन में उसमें मैंने उसमें ट्रांसफर कर दी तो इससे होगा क्या दोस्तों जब मैं एंटीजन ट्रांसफर कर रहा हूं तो उस दूसरे व्यक्ति में जो बीमार है उसमें भी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो उत्पन्न हो जाएगी ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों किसका दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव ऑफ द प्लाज्मा थेरेपी ये प्लाज्मा थेरेपी का दोस्तों मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं तो प्लाज्मा थेरेपी आपको समझना पड़ेगा तो अभी तक जो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर हमारा डिबेट चल रहा था प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर हमारा डिबेट क्या था डिबेट यह था कि यार किस प्रकार से हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम काफी रोगियों को ठीक कर रहे थे है ना और बोला जा रहा था कि ठीक है एक इफेक्टिव तरीका है दोस्तों ये प्लाज्मा थेरेपी एक इफेक्टिव तरीका है आपके जो कोविड 19 के पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने का परंतु अभी क्या हो रहा है दोस्तों वर्तमान में क्या हो रहा है वर्तमान में मैं आपको बता देता हूं अभी एक ब्रिटिश के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक स्टडी हुई है ठीक है और उस स्टडी के अंदर यह पाया गया दोस्तों की प्लाज्मा थेरेपी जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है प्लाज्मा थेरेपी है आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है कोविड नाइनटीन के अंदर क्या होता है दोस्तों आपको सांस लेने में कठिनाई आती है सांस लेने में दिक्कत आती है तो जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ है उसके अंदर में प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कुछ हद तक मदद पहुंचा सकता है

19 के जो आपके ज्यादा जिसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस हैं वहां पर कोविड नाइनटीन इफेक्टिव नहीं है है ना सिर्फ ये कुछ केसेस में रिलीफ पहुंचा सकती है जैसे शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ जो होती है का काफी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है कोविड-19 तो हाँ, सीवियर केस जो होते हैं उसमें नहीं लेकिन माइल्ड केस है तो उसके अंदर ये इफेक्टिव आपका हो सकती है अब इससे क्या दोस्तों इससे हमारी टेंशन और बढ़ गई है यार है ना अब ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है तो इसके लिए कोई इलाज की जो एक एक पद्धति होती है ना स्टैंडर्ड पद्धति जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पा रही हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट लगातार इसमें लगे हुए हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिस्कवर जो आपकी इलाज की पद्धति होती है ना वो अभी तक हम डेवलप यहां पर अभी नहीं कर पाए हैं ठीक है होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट मैं समझ समझ पा रहे हैं आप तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं तो प्लाज्मा थेरेपी डिबेट के ऊपर हमने चर्चा की सो जीएस पेपर टू से रिलेटेड हेल्थ का टॉपिक है जीएस पेपर टू से संबंधित रहेगा साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूं प्लाज्मा थेरेपी डिबेट क्या है रिसेंटली पब्लिश फाइंडिंग ऑन द प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड 19 पेशेंट्स हैव ट्रिगर्ड डिबेट ओवर इट्स ना अभी से नहीं यार ये लगातार ये हम लगाता इस में बात करते रहेपी जो है वो एक इफेक्टिव समाधान है क्या प्लाज्मा थेक्टिव सोल्यूशन है, सो है दोस्तों चलता आ रहा है चलता आ रहा है और इसी डिबेट के बारे में आप बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी जो है, है दोस्तों वो इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट एन इफेक्टिव सोल्यूशन इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है यही बात हमारे सामने आई है विस थेरेपी थेरेपी में होता क्या है? तो एस आई टोल्ड यू प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा जो हमारे रक्त का तरल हिस्सा होता है ठीक है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लाज्मा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ब्लड ऑफ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द इंफेक्शन इज अ सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इंफेक्शन भाई जिस बंदे का के अंदर जो संक्रमण से उबर जाता है ठीक है जिसको संक्रमण खत्म हो चुका है उसके संक्रमण एक एक संक्रमण से उभरे हुए वे व्यक्ति के प्लाज्मा को जब हम रिकवर करते हैं तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज होती हैं और ये एंटीबॉडीज क्या करती है दूसरे रोगी के अंदर में हेल्प करती है किससे रोज तो लड़ने के लिए मैंने बताया आपको ये एंटीबॉडी हेल्प करती है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर जो रोगी है कोविड नाइनटीन का उसमें वो आपका उस इंफेक्शन से लड़े दैरपी इन्वॉल्व यूजिंग देयर प्लाज्मा टू हेल्प दी अदर रिकवर और इस थेरेपी के अंदर में एक ऐसा व्यक्ति जो प्लाज्मा जो आपका कोविड नाइनटीन से ठीक हो चुका है उसका प्लाज्मा इस्तेमाल करके दूसरी रोगी को ठीक करने में इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली वो किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिबेट अच्छा ऐसा क्या हुआ है जिससे डिबेट हुआ है दोस्तों तो देख लेते हैं

मॉर्बिडिटी और अन्य कारण जो है उनमें भी इतने हेल्पफुल नहीं होती द रिजल्ट ऑफ प्लेसिड प्लेसिड एक ट्रायल किया गया दोस्तों द रिजल्ट ऑफ प्लेसिड देखो आईसीएमआर ने भी बोला है आईसीएमआर ने तो बोला ही है कि सीवियर केसेस में जो प्लाज्मा थेरेपी है दैट इज नॉट सो मच इफेक्टिव साथ ही साथ में द रिजल्ट ऑफ प्लेसिड ट्रायल एट मल्टीपल सेंटर फर्स्ट उट ऑफ आर्वर इन इन सेप्टेंब्लिश इन दियर रिव्यू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जर्रल है मेडिकल जर्रल है अक्टूबर ट्वेंटी टू उसमें भी रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है कि भाई नहीं इससे बात आपका नहीं बनेगी ये एक स्टैंडर्ड पद्धति नहीं है वट आर द ट्रायल्स फाइंडिंग आप ये जो प्लेसिड ट्रायल हुई है इसकी फाइंडिंग क्या है हमारे सामने वाइल यूज ऑफ द प्लाज्मा सेम टू इंप्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ आप समझ पा रहे हो देखो जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना ठीक है आपको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान ऑक्सीजन तो तो लेवल कम होता है तो ऐसा अगर है स्टार्टिंग के अंदर में तो ठीक है लेकिन अगर केस बहुत सीवियर हो गया है, तो दोस्तों उसके अंदर में प्लाज्मा थेरेपी कुछ नहीं कर पाएगी पेशेंट विद मॉडरेट कोविड नाइनटीन तक ठीक है चल जाएगा काम दिस नॉट ट्रांसलेट

फोर्टीन स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज एंड रीप्रेजेंटिंग ट्वेंटीज सो येडमाइज ट्रायल है दोस्तों के अंदर भारत में, ये ट्राइल, ये ट्राइल भारत में ब्रिटिश मेडिकल जनरल के अंदर में उनतीस हॉस्पिटल जो फैले हुए हैं दोस्तों फोर्टीन स्टेट और यूनियन टेरेटरी में भारत की लगभग पच्चीस जो सिटीज है शहर है उनके अंदर में हमने ट्रायल के नाम किया दोस्तों अब ये यादवाद कुछ नहीं करना है आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपसे ट्रायल पूछ एग्जाम में नहीं प्लेस ट्रायल नहीं पूछेगा बट दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए कोविड कोविडीन से जो रिलेटेड इलाज पद्धतियां उनमें से एक इलाज पद्धति आपकी ये भी है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं दैट इज आपका प्लाज्मा थेरेपी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके साथ वे फॉरवर्ड अब सर क्या आगे क्या करें ठीक है हमें तो एक ही चीज का पता था प्लाज्मा थेरेपी जो एक उम्मीद की किरण थी अब वो भी नहीं है तो अब क्या करें सो दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा हमें दिस इज अव वायरस नया वायरस है दोस्तों एंड अराउंड द वर्ल्ड एविडेंस इज स्टिल इमर्जिंग ऑन द बेस्ट थेरेप्यूटिक ऑप्शन So, एक नया वायरस है और दुनिया भर में इसके जो है चिकित्सा विकल्प जो है अभी धीरे 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 करके उभर रहे हैं है ना लगातार लोग जो है इसकी चिकित्सा के नए विकल्प जो है उभर रहे हैं कुछ लोग वैक्सीन बनाने की भी बात कर रहे हैं बट वैक्सीन ठीक है वैक्सीन एक अलग चीज है ठीक है वैक्सीन प्रिवेंशन में हेल्प करता है लेकिन अगर मैं बात करूं इलाज के लिए अगर कोविड हो गया आपको तो इलाज कैसे हो तो इसके लिए अभी भी बहुत सारे जो थेटिक ऑप्शन हैं उनको हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी हैज सेव्ड सम लाइव्स बट कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड बाय द ट्रायल अच्छी बात है अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमने उपचार किया है ना कुछ लोगों का तो उससे यार कुछ लोगों को की जाने बची हैं ऐसे बात नहीं प्लाज्मा थेरेपी से कुछ लोगों की जान बची भी है लेकिन जो प्लेसिड ट्रायल हुई ये ना इससे हमारी चिंता दोस्तों फिर से बढ़ गई है ठीक है हमारी चिंता फिर से बढ़ गई है अच्छा रिलेटेड सर्च में क्या करना है आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR देखना है आपको न्यू मेडिकल बिल जो है अभी आया है उसके बारे में देखना ICMR जो मैंने बताया जिसने स्टडी की है प्लेसिड साथ ही साथ में न्यू मेडिकल बिल जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है अच्छा प्री स्पेसिफिक क्या है वॉट इज द प्लाज्मा थेरेपी आपको देखनी है अबाउट स्पार्क डिबेट ठीक है एंड इट्स ट्रायल फाइंडिंग्स तो ये आपसे ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो सबसे बड़ा जो एक अभी प्रेसिंग कंसर्न है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दोस्तों दैट इज द एयर पॉल्यूशन इन द एनसीआर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में नियर कैपिटल रीजन के अंदर में जो लगातार बढ़ता एयर पॉल्यूशन है दैट इज द प्रेसिंग कंसर्न ठीक है बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों ये ठीक है बहुत लोगों की जाने जो है इसने स्टेक पे ले ली है और इस समय ये मुद्दा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मानसून अभी रिट्रीट कर चुका है ठीक है तो बारिश के चांसेस बहुत कम है अगर बारिश होती तो क्या होता है हवा के अंदर जितना भी पॉल्यूशन है ना वो उसके एयर में जो आपके जो रेनफॉल होता है उसके साथ में वापिस नीचे ग्राउंड पे आ जाता है बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं है है ना हवा के अंदर में अगर बात करें तो हवा की जो गति है वो बहुत स्लो हो चुकी है विंटर आ चुकी है मॉनसून रिट्रीट कर चुका है बारिश के कोई चांस है नहीं तो और ऐसे में अगर जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है टेम्परेचर इनवर्जन अभी थोड़े दिन के बाद में आप देखोगेचर टेम्परेचर आपका इन्वर्जन होने लग जाएगा वो और भी ज्यादा सीवियर कर देगा टेम्परेचर इनवर्जन का मतलब सिर्फ आप ऐसा समझ लो कि जितनी भी जो एयर जो है ना आपकी पॉल्यूटेड एयर है जो एयर में पॉल्यूशन होता है वो लोअर एटमोसफेयर

ये तो चलो ठीक है अभी होने वाला है अभी मैं बताऊं तो वर्तमान में क्या हो रहा है दोस्तों वर्तमान में एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं चाहे पीएम टू पॉइंट फाइव हो चाहे पीएम टेन हो चाहे आपके अदर गैसेस पॉल्यूटेंट हो लगातार उनकी मात्रा जो है आपका एयर के अंदर बढ़ती जा रही है और एयर हमारी क्या हो रही है दोस्तों प्रदूषित जो है वो होती, होती 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 जा रही है और इसमें एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कारण क्या है दोस्तों आपका एक बड़ा कारण है स्टवल बर्निंग है ना स्टबल बर्निंग क्या है सर मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास समय आ गया है रबी की क्रॉप उगाने का रबी रबी मैंने आपको बताया रबी से आ, आर से रबी बनता है और आर से राठी बनता है ठीक है और आर ए टी एच आई टी एच आई मतलब ठंड है ना तो रबी की क्रॉप हम कब उगाते हैं ठंड में जब ठंड स्टार्ट होती है तो उगाते हैं तो मैं ऐसे याद करता हूं मेरे को याद रहता नहीं था तो मैं ऐसे याद करता था सो so, ठंड के अंदर जो हम क्रॉप्स उगाते हैं तो दे आर नोन एज द रबी क्रॉप्स और जब मानसून आए तो ऑनसेट ऑफ द मानसून पे जो हम क्रॉप उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों जो जून जुलाई के टाइम पे उगाई जाती है तो उनको हम बोलते हैं आपका क्या उनको हम बोलते हैं खरीफ की क्रॉप सो खरीफ की क्रॉप में एक क्रॉप आती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं राइस है ना अब राइस के जस्ट बाद राइस अभी कटाई है ठीक है राइस को कटते कटते अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर लास्ट इवन नवंबर का स्टार्टिंग आ जाता है अक्टूबर लास्ट मान लो अक्टूबर लास्ट पकड़ लो अक्टूबर के अंत में आके आते आते आपका राइस जो है वो पूरे भारत के अंदर कटता है ठीक है उसके बाद में यार अक्टूबर के लास्ट में ही हमारा शोइंग सीजन स्टार्ट हो जाता है किसके लिए रबी की क्रॉप के लिए हमें गेहूं उगाना है तो किसानों के पास समय बचता नहीं है ज्यादा है ना तो इसके लिए वो क्या करते हैं चावल को तो निकाल लेते हैं और क्योंकि उनके पास आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उसके लिए जो स्टबल है उसके लिए समय बचा नहीं तो वो क्या कर देते हैं उसमें खेत को तैयार करना है जल्दी क्योंकि अगली क्रॉप उगानी है है ना तो वो क्या कर देते हैं जो स्टबल बचता है जो चा... उसका चावल के नीचे का जो वो तना बचता है उसके अंदर आग लगा देते हैं और उस आग से दोस्तों क्या होता है प्रदूषण और उस आग की जो हवा के साथ में वो जो आग का धुआं और जितने भी उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स है वो आपके दिल्ली में आ जाते हैं दैट इज ऑन बनिंग अब दिल्ली की हवा और ये खराब दोस्तों पुअर वेरी पुअर और इवन सीवियर कैटेगरी में वो एंटर करने लग गई है बहुत सारे जगह थी जहां पर एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर भी हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया क्या है ना अब सुप्रीम कोर्ट तो आएगा सुप्रीम कोर्ट जो तो है वो बीच में आया सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या तो सेंटर ने पूरा पूरा आश्वासन दिया है सुप्रीम कोर्ट को नहीं भाई कि वी आर वी वी, 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 वी कैन मैनेज दिस और हम आश्वासन देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम जो एयर पॉल्यूशन जो बढ़ता एयर पॉल्यूशन है और जो स्टबल वर्निंग की प्रॉब्लम है उसको हम चेक में रखेंगे इस बार पंजाब का इनिशिएटिव दोस्तों बहुत ही सराहनीय है पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है और पंजाब ने काफी सारा पैसा खर्च किया और किसानों को आपका ऑन साइट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो आपका स्टबल मैनेजमेंट के लिए आपका जो मशीनें हैं वो भी उपलब्ध यहां पर कराई है ठीक है अभी मैं बात करूंगा उसकी तो सेंटर प्रॉमिस टू प्रॉमिस लॉ टू चेक द स्टबल बर्निंग केंद्र सरकार ने बोला है कि भैया वो कानून बनाएगा और उस कानून से ऐसा कानून बनाएगा जिसे स्टबल बर्निंग जो है उसको वो चेक में रख सके स्टबल बर्निंग को वो कंट्रोल में रख सके जीएस पेपर थ्री का पार्ट है दोस्तों आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड पार्ट है आपका ठीक है चलो देख लेते हैं कॉन्टेक्सट में क्या है द सेंटर विल ब्रिंग अ लॉ जल्दी ही केंद्र सरकार एक कानून लेके आने वाली है वाया ऑर्डिनेंस किससे आएगा ऑर्डिनेंस क्योंकि संसद तो सत्र में है ही नहीं भाई कोविड नाइनटीन की वजह से संसद चला था थोड़े दिन के लिए बट अभी संसद सत्र में है ही okay तो सेंटर विल ब्रिंग इन लॉ वाया ऑर्डिनेंस टू एड्रेस द एयर पॉल्यूशन एज वेल एज टू चेक द स्टबल बर्निंग इन दिल्ली एज वेल एज द सराउंडिंग नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर द सुप्रीम कोर्ट यार केंद्र सरकार जो है उसने बोला है कि हम जल्दी ही ऑर्डिनेंस के माध्यम से अध्यादेश के माध्यम से मैं कानून लेके आएंगे क्योंकि संसद तो सत्र में है नहीं और इसने सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर किया है कि हम उसके कानून के द्वारा कोशिश करेंगे स्टबल बर्निंग जो है वो कम से कम रहे स्टबल बर्निंग जो है वो कंट्रोल में द न्यू लॉ इज फॉर टैकलिंग एयर पॉल्यूशन इन द एनसीआर एंड एडनिंग एरिया इट्स एन ऑर्डिनेंस ठीक है so ये क्यों है दोस्तों ये नया कानून जो है वो एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए होगा ये अध्यादेश की फॉर्म में होगा न्यू ऑर्डिनेंस कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज एंड सो फार नो कंसल्टेशन हैज बीन डन विद्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफिशियल अभी तक अगर मैं आपसे पूछ बताऊं और मैं कहूं तो अभी तक ये जो एन वैसे पहली बार बता दू आपको जो लॉ आने वाला है नया कानून जो बनने वाला है ये किधर से आएगा यह आपका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आएगा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से आएगा और एनवायरमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से आएगा और इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में कोई डिबेट यहां पर नहीं हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ में कोई भी जो बातचीत है

विधअ मॉनसून विद ड्रॉइंग मॉनसून चला गया दोस्तों, भारत के अंदर आ है इससे एयर क्वालिटी जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर में वो लगातार खराब होगी डेटोरेट करेगी लास्ट वीक एंड डिपिंग टू द पुअर टू द वेरी पुअर ठीक है अभी पुअर थी अभी वेरी पुअर हो जाएगी बहुत बेकार जो है वो हो जाएगी पंजाब का इसमें इनिशिएटिव क्या है दोस्तों पंजाब का एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव इसके अंदर में रहा है पंजाब का बहुत सराहनीय के अंदर रहा है और वो क्या है दोस्तों टू चेक द स्टबल बर्निंग दिस खरीफ सीजन द पंजाब गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 8000 नोडल ऑफिसर इन द विलेज उसने क्या किया है गांव के अंदर में ठीक है 8000 नोडल ऑफिसर को तैनात किया है किसने पंजाब की सरकार ने क्यों तैयार किया है क्यों तैयार किया है दोस्तों इसमें तो बहुत खून था यार मेरा ही पिया हुआ था इसने तो बहुत खून था भैया तो इसको साफ किया जाएगा कैसे किया जाएगा यार पता नहीं किधर किधर मच्छर छुपे रहते हैं सुबह बोर्ड चलता है तो ही निकल निकल के आते हैं है ना रात में पता नहीं कहां कहां छुप जाते हैं देखो फिर से आ रहे हैं दोस्तों, तो चेक स्टबल दिस सीजन, दी नोडल, नोडल अधिकारियों जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और तेईस क्रॉप रेजेड्यू मैनेजमेंट क्रॉप रेजेड्यू समझ के अरे जो ठूंठ बचता है ना बाद में चावल को निकालने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए ऑन साइट वहीं पर बैठ के साइट के ऊपर उसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है दोस्तों क्रॉप मैनेजमेंट आर टू द फार्मर फॉर ऑन साइट मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रॉ किसानों को पुआल पुआल के ऑन साइट प्रबंधन स्टबल को बोलते हैं पुआल के ऑन साइट प्रबंधन के लिए तेईस हजार से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें दी जा रही हैं आप समझ पा रहे हो दोस्तों फसल अवशेष प्रबंधन स्टबल मैनेजमेंट जो आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए स्टबल जो आपका बचता है उसके लिए अवशेष प्रबंधन मशीनें जो है पंजाब के द्वारा दी गई है सफर की फाइंडिंग क्या है दोस्तों सफर की फाइंडिंग कुछ ऐसी है दोस्तों सफर मेंटेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मैं थोड़े दिन पहले टॉपिक कराया था स्पेशल टॉपिक में कराया हुआ जाके देखो सफर ने क्या बोला है सफर ने अपनी फाइंडिंग्स के अंदर बताया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग टू टू दर्सनिंग एयर क्वालिटी वॉज सिक्सटीन परसेंट ऑन द वनडे रिलेटेड टू द अदर सोर्सेज सच एज रोड डस्ट स्टबल वर्निंग का जो रोल है वो सिक्स सोलह प्रतिशत है कितना प्रतिशत है सोलह प्रतिशत बाकी तो अदर सोर्सेज से आ रहा है अदर सोर्सेज कौन से हैं सर आप देखते हो जब रोड पे जाते हो तो साइड में जो रेत पड़ा होता है सड़कों के किनारे तो जब गाड़ियां जाती तो रेत उड़ता है ठीक है दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन ठीक है वो भी पीएम पार्टिकुलेट मैटर का एक रीजन होता है और और भी बहुत सारे रीजन हैं बर्निंग ऑफ द सॉलिड फ्यूल हम जो इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो दे ऑल आर क्यूमुलेटिवली अफेक्टिंग द एयर क्वालिटी ऑफ द एंड सारे मिलके ना एयर क्वालिटी को क्या कर रहे हैं खराब कर रहे हैं ठीक है पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द स्ट्रॉ बर्निंग आर ब्रॉट इन बाय द विंड अभी ये जो स्ट्रॉ बर्निंग की वजह से हवा की वजह से आ रहा है वो मैंने बताया और सैटेलाइट के द्वारा हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो बर्निंग के इंसिडेंट है ना वो लगातार बढ़े हैं जो ऑन साइट बर्निंग है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ऐसा अभी देखने में आ रहा है रिलेटेड सर्च में आपको क्या करना है दोस्तों आपको सफर के बारे में देखना है सफर क्या होता है दोस्तों सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर ठीक है उसके बाद एक क्यू आई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों के दोनों मैंने बताए हुए स्पेशल इवेंट मैंने कराया हुआ इसी चैनल के ऊपर आप उसमें जाओ और देखो वहां से आपको दिख जाएगा ठीक है सो so, वहां से देखोगे आपको दिख जाएगा सफर एक य्यूआई और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ऊपर प्रलिम स्पेसिफिक आपसे ध्यान रखना है दोस्तों एक्यूआई के बारे में सफर दोनों से क्वेश्चन यहां पे आ सकता है और ध्यान रखना है आपको कि ऑर्डिनेंस क्या होता है अध्यादेश क्या होता है कैसे इशू किया जाता है वगैरह वगैरह मेन्स स्पेसिफिक पे आ जाता हूं मैं दोस्तों मेन्स के लिए स्टबल बर्निंग इज अ ग्रोइंग कंसर्न टू एनवायरमेंट दिनवायरमेंट हेल्थ ऑफ दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग सराउंडिंग रीजन ठीक है सराउंडिंग रीजन आएगा दोस्तों नोट रीजन रीजन मतलब क्षेत्र वट कुड बी द पॉसिबल ग्रीन ऑल्टरनेटिव ऑफ द स्टबल बर्निंग सजेस्ट ठीक है अब ये भी मैं बता दूं दोस्तों ये भी मैंने क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर पीछे टाइम पे कराया हुआ है ठीक है लाइक ला इसी टाइम पे पिछले साल मैंने कराया था बहुत अच्छा टॉपिक था ठीक है क्लाइमेट इमरजेंसी इन दिल्ली तो वहां पर जाकर आप एक बार चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा तो वहां पर जाकर देखोगे तो मिल जाएगा कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं आपका स्टबल बर्निंग से लड़ने के लिए तो वहां पर आप देखोगे आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अगला टॉपिक है दोस्तों देखो भारत इसका चेयरमैन बन गया है दोस्तों नाउ इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई ठीक है इसका चेयरमैन बन गया है इसकी गवर्निंग काउंसिल जो है उसका चेयरमैन बन गया है ठीक है गवर्निंग काउंसिल जो है वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसकी दोस्तों आईएलओ आईएलओ की जो टॉप डिसीजन लेता है ना वो यही होता है और यही है जो इसके डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है ये ट्री पैर मतलब तीन लोगों का आपस में सुलह कराती है एक साइड में इसमें गवर्नमेंट होती है ट्री पैट्रिएट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक साइड पर कौन होती है दोस्तों गवर्नमेंट होती है दूसरे साइड पर कौन होता है दोस्तों यहां पर वर्कर होता है और तीसरे साइड पर कौन होती है आपका इंडस्ट्री ठीक है सो so, ट्री ट्रिपेट्रिएट हो गया ना है ना तीन स्तर के ऊपर तो ये काम करती है आपका तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना सो so, बात करते हैं चलो इसके बारे में जीएस पेपर टू से रिलेटेड है आपका क्यों क्योंकि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरम देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट दुनिया भर के अंदर जो महत्वपूर्ण विश्व में जो संगठन है उससे संबंधित है सो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है चलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स पढ़ते हैं रिसेंटली अभी अभी इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता की है ठीक है तो रिसेंटली इंडिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग काउंसिल गवर्निंग बॉडी जो होती है आईएलओ की उसकी अध्यक्षता भारत ने एज्यूम कर ली है ठीक है कोई बात नहीं बढ़िया बात है अब ये गवर्निंग बॉडी क्या होती है दोस्तों दिस इज अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी आप समझ पा रहे हो सबसे टॉप पर जो हाइएस्ट लेवल के ऊपर होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी है कौन सी आपका ये आई की जो गवर्निंग बॉडी है डायरेक्टर का सारे जनरल के सारे काम है इसकी उसके बाद अगर मैं बात करूट मीट्स इन द डायरेक्ट जनेवा थ्री टाइम्स एनुअली के अंदर एक साल में तीन बार मिलती है इट मीट्स द इन दवा थ्री टाइम्स एनुअली तीन साल मतलब तीन बार ये आपका क्या करती मिलती है अच्छा क्या क्या रिपोर्ट है जो आई एलओ पब्लिश करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है जो एग्जाम में आता है दोस्तों स्पेशली पीटी में पूछा जाता है वट आर द रिपोर्ट ऑफ द आई एलओ आई एलओ के द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक दूसरी है दोस्तों ग्लोबल वेज रिपोर्ट पहली है ग्लोबल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और सेकंड क्या है दोस्तों ग्लोबल वेज रिपोर्ट IELO के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है जान लो ये 1919 में एकमात्र त्रिपक्षीय यूएन एजेंसी है तो तो पहली बात तो ये यूएन के अंडर में यूएन एजेंसी है एकमात्र त्रिपक्षीय मतलब त्रिपक्षीय है तीन लोग कौन कौन से हैं इसमें मैंने आपको बता ही चुका हूं दोस्तों पहला गवर्नमेंट दूसरा एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट देते हैं यानी इंडस्ट्री वाले लोग और तीसरा क्या है दोस्तों वर्कर तो तीन लोगों को एक साथ लेके आने वाली ट्राई पैट्रिएट एजेंसी है दोस्तों ये और यूएन बॉडी है

प्रोग्राम बनाती है उनको प्रमोट करती है एंड प्रमोट द डीसेंट वर्क फॉर ऑल मैन एंड पूरी दुनिया के अंदर मैन और को समान अधिकार मिल पाए वर्किंग कंडीशन सेम मिल पाए तो इसके लिए भी कार्यरत रहती है इट इज बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इन नाइनटीन एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशन फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर वन तो वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था ना पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी उसके बाद में इसको स्थापित किया गया था दोस्तों

फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेजन सेवन सारी की सारी कन्वेंशन है जो बनी हुई है मिनिमम वेज कन्वेंशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर कन्वेंशन इसके ऊपर आपको करवाया था कन्वेंशन नंबर एटी वन हंड्रेड एंड एटी टू ये करवाया हुआ है आपको मैंने ठीक है अभी दो महीने पहले यू कैन गो एंड चेक अब बाद में मत कहना सर नहीं कराया वर्स्ट फॉर्म द चाइल्ड लेबर के ऊपर मैंने कराया हुआ है इक्वल रिमोनरेशन कन्वेंशन है ना इक्वल यानी कि समान पारिश्रमिक कन्वेंशन बाल श्रम सम्मेलन की सबसे बुरे रूप न्यूनतम आयु सम्मेलन ठीक है भेदभाव रोजगार और व्यवसाय कन्वेंशन ये भी हमने किया डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन इसके ऊपर हमने स्पेशल टॉपिक किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्ट आई थी तो हमने स्पेशल टॉपिक किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आप मैं ये तो ज्योतिषी नहीं हूं कि जो मैं बता दूंगा वही पेपर में आएगा बट हाँ या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी यही आएगा ये मैं नहीं बता सकता ये हमारे पास कुछ ज्योतिषी हैं कुछ बाबा हैं वही बता सकते हैं ठीक है ठीके? मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आएगा मैं देख रहा हूं दोस्तों जितने बच्चे देख रहे हैं ना लाइक्स उससे भी कम है ऐसा क्यों भाई ऐसा मत करो महाराज जल्दी से लाइक के बटन को दबाओ लाइक और शेयर कर दिया करो यार ठीक है थोड़ा बिलीव रखा करो आप भी समाज सेवा में थोड़ा भरोसा किया करो लाइक और शेयर फटाफट से कर दिया करो इसमें कोई भी ढिलाई और कोई भी देरी जो है वो मत किया करो ठीक है मिशन एंड इंपैक्ट मिशन क्या है इसके और इंपैक्ट क्या होंगे प्रभाव क्या होंगे वो देखने है आपको सो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई जो है ना इट इज डिवोटेड टू प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स ठीक है इसका काम क्या है दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है जो सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता प्राप्त और मानव श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों समर्पित है अपने संस्थापक मिशन का पीछा करते करते हुए कि सामाजिक न्याय और सार्वभौमिक और स्थायी शांति जो है प्रदान की जाए सो इसका पर्पस क्या है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिवोटेड टू तो प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए टोटली totally डिवोटेड है दोस्तों एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन एंड लेबर राइट्स परसू इट्स फाउंडिंग मिशन दैट सोशल जस्टिस इज इजेंशियल टू यूनिवर्सल एंड दी लास्टिंग पीस तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखो ये

िसीज एंड डिवाइज द प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल वुमेन मैं एंड वेमेन कोशिश करेगी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान तरीके से जो डिसेंट वर्किंग कंडीशन है वो तैयार की जा सके टूडे द आई एलओ डी वर्क एजेंडा हेल्प एडवांसेज द इकोनॉमीज एंड वर्किंग कंडीशन दैट गिवन ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट आर टेक इन द लास्टिंग पीस एंड प्रोस्पैरिट इन प्रोग्राम तो ये इसका उद्देश्य है दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसकी चेयरमैनशिप जो है वो भारत ने एज्यूम कर ली है जो आई एलओ की गवर्निंग बॉडी है भारत उसका चेयरमैन बन गया है सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है दोस्तों और जो है डायरेक्टर जनरल भी है अपॉइंट करती है आईएलओ जो है ट्राई पैट्रिएट बॉडी होती है दोस्तों त्रिपक्षीय कमेटी समिति आप

जल्दी से कुछ जोश ठंडा पड़ रहा है आपका ठीक है होने नहीं दूंगा मैं नो no. तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ग्लोबल वेज रिपोर्ट के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है गवर्निंग बॉडी पूछी जा सकती है फंडामेंटल कन्वेंशन बाई आई एल पूछा जा सकता है मिशन और इसके इंपैक्ट पूछे जा सकते हैं ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है मेंस के लिए सवाल क्या बनता है दोस्तों व्हाट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स फंडामेंटल कन्वेंशन मीन टू रिजॉल्व ठीक है और कौन कौन सी इसने आपका बेसिकली फंडामेंटल कन्वेंशन बनी हुई है अच्छा दोस्तों एक काम और कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वैसे मैंने प्लेलिस्ट इसकी अदर जगह पे डलवाई हुई है मेन चैनल पे इधर उधर मतलब कहीं पे भी जाओगे तो आप इस चैनल पे पहुंच सकते हो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो पर यार इसको इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों मेक श्योर sure आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो करंट अफेयर वन जीरो वन इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार है ना मेक श्योर sure आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया हो गाइस प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से ताकि हम जो है इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें ठीक है

मतलब मांस खाता है दोस्तों सबसे बड़ा बड़ा मांस खाने वाला प्राणी है दोस्तों और इसके हैबिटेट को डिक्लाइन कर दिया इसका हैबिटेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इसका जो निवास है हैबिटेट मतलब निवास वो हिमालयन क्षेत्र में लगातार आपका क्या हो रहा है दोस्तों हो दोस्तो, कम होता जा रहा है तो हैबिटेट डिक्लाइन फॉर द हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय में जो ब्राउन बियर पाया जाता है जो आपका हिमालय के अंदर में जो ब्राउन भालू पाया जाता है भूरा भालू पाया जाता है जो ये

सो so, ये हो गया आपका हैबिटेट डिक्लाइन फॉर द हिमालयन ब्राउन बियर अ रीसेंट स्टडी ऑन द हिमालय ब्राउन बियर ठीक है इसका साइंटिफिक नाम है हैज प्रिडिक्टेड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इन द सस्टेन इन द सुटेबल हैबिटेट एंड द बायोलॉजिकल कॉरिडोर ऑफ द स्पीसीज इन द क्लाइमेट चेंज सिनारियो क्या देखा गया दोस्तों लगातार जो हिमालय में ये जो भूरा भालू पाया जाता है ना इसका जो हैबिटेट है जो निवास स्थल है वो लगातार क्या हो रहा है दोस्तों आपका श्रिंक हो रहा है ये देखा गया और इंफॉर्मेशन में देखते हैं दोस्तों हिमालयन ब्राउन बियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस इन द हाईलैंड ऑफ हिमालय हिमालय भूरा भालू जो है हिमालय की ऊंचाई में क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीवों में से एक है इट ऑक्यूपाइज द हाइयर रीचेज ऑफ द हिमालया इन रिमोट माउंटेनस एरिया एंड पाकिस्तान

दो हजार पचास तक लगभग तिहत्तर प्रतिशत क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा वाइल द ब्राउन बियर एज अ एजीसीज इज क्लासिफाइड एज द लीस्ट कंसर्न अगर मैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में बात करूं तो ब्राउन बियर को ना लीस्ट कंसर्न का दर्जा दिया गया है ठीक है दिस सब स्पीसी हाईलीजर्ड एंड पॉपुलर आर डिंडलिंग इट इज एंडेंजर्ड इन द हिमालय एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द हिंद कुश हिमालय में एंडेंजर्ड है और हिंदकुश रीजन के अंदर में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है किसकी बात कर रहा हूं मैं आपका दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्राउन बियर मैं भूरे भालू की बात कर रहा हूं तो ये भूरा भालू जो है इट इज क्रिटिकली एंड लिस्ट कंसर्न बाय द आई यूसीएन बट हिमालय के क्षेत्र के अंदर में कहीं कहीं पर एंडेंजर्ड है और हिंदकुस रीजन के अंदर में इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये रेड लिस्ट जो है ठीक है सॉरी जो ये आपकी आई यूसी की लिस्ट होती है इसके बारे में भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम देख चुके हैं आई यूसी की जो लिस्ट होती है ना हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं ठीक है अब आता है दोस्तों न्यू स्पीसीज ऑफ इकाइनोपस ठीक है न्यू स्पीसीज इकाइनोपस इकाइनोपस के बारे में बात करें आप देख रहे हो मेरे पास दिस इज अ फ्लावरिंग ये एक फूल का एक पेड़ है इसकी एक नई स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की गई है आप देख पा रहे हो दोस्तों ये ये क्या है दोस्तों ये फूल नहीं ये एक फूल नहीं है ये ये बहुत सारे कलेक्टिव फूल है बहुत सारे फूल है और जिनसे मिलके बड़ा फुलवा बनता है ठीक है बड़ा फूल बनता है समझ रहे हो फूल है छोटे छोटे जब वो मिलके ना एक बड़ा फुलवा बना रहे हैं देख, देख पा रहे आप तो इसमें एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे फूल हैं दोस्तों और जो कलेक्टिवली मिलके क्या कर रहे हैं दोस्तों आपका एक बड़ा फूल बना रहे हैं दिख रहा होगा ना आपको तो इसकी एक नई स्पीसीज की यहां पर डिस्कवरी हुई है इकाइनोपस की एक नई स्पीसीज जो है दोस्तों वो खोजी गई है और ये जो इकाइनोपस की जो नई स्पीसीज है हमारे पास जो नई प्रजाति हमारे सामने आई है ये काइनोपस की यह नई प्रजाति की खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इसी काइनोपस की खास बात क्या है इसी काइनोपस की खास बात यह है कि जो फूल अभी तक बनता था ना इससे सबसे बड़ा फूल बना है मतलब अभी तक का जो सबसे बड़ा फूल का जो स्पीसीज है ना इकाइनोपस वो डिस्कवर किया गया है है दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक सो न्यूज इन द न्यू ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी में एमएससी बॉटनी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया दोस्तों हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ इकाइनोपस सहद्रिकस सर क्यों पढ़ा रहे हो पेपर में ना सीधा सीधा आ जाता है ठीक है इकाइनोपस सहय्रीएस सो so, ये जो है एक नई स्पीसीज खोजी गई है दोस्तों इंग्लिश में इसका कॉमन नेम क्या है दोस्तों सहयादरी ग्लोबल थीसल इसको नाम दिया जाता है इंग्लिश के अंदर सहयादरी ग्लोबल थीसल इसको नाम दिया जाता है तो ये राजघाट के फूड से नई स्पीसीज जो है बेसिकली अभी अभी वो मिली है राजघाट फूड से इकाइनोपस्ट जो है ना इज अ जीनस ऑफ अबाउट एक सौ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल नॉर्थ अफ्रीका एंड मेडिटरानियन बेसिन एंड वेस्ट एशिया एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड टू चाइना एंड जापान ठीक है कहां तक फैला हुआ आप देख लो तो ये कहां कहां पाया जाता है आपका ये उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाता है मेडिटरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है पश्चिमी एशिया में पाया जाता है और ईस्टवर्ड जाओगे आप तो चाइना और जापान तक आपका दोस्तों ये फैला हुआ होता है दी नंबर ऑफ टैक्सा जो सबसे ज्यादा वैसे कुल प्रजातियां इसकी एक सौ तीस प्रजातियां हैं लेकिन छिहत्तर प्रजातियां जो हैं वो कहां पाई जाती है हाईएस्ट प्रजाति जो है वो प्रजातिरानियन प्लेटू जो ईरान का पठार है ना वहां पर पाई जाती है बाद में इसके अलावा बात करूं पांच स्पीसी जो होती है वो भारत में पाई जाती है इंक्लूडिंग टू इन महाराष्ट्र जिनमें से दो स्पीसीज प्रजातियां जो है इसी की वो महाराष्ट्र में पाई जाती है ठीक है उसके बाद द न्यू स्पीसीज इज यूनिक बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इट्स कॉम्पोजिट इन इन फ्लोरसेंस Composite inflorescence का मतलब वही होता है मैंने बताया ना एक फूल नहीं होता वो छोटे छोड़ फूल होते हैं एक फूल दो फूल सारे मिलके ना एक बड़ा फूल बनाते हैं क्या बोलते हैं इनको इसको बोलते हैं कंपोजिट इसको बोलते हैं हम आपका कंपोजिट इनफ्लोरसिन हिंदी में भी देखो कुछ ना कुछ लिखा होगा ठीक है हाँ समग्र पुष्प क्रम क्या है दोस्तों समग्र पुष्प क्रम तो सबसे बड़ा जो है सबसे लार्जेस्ट कंपोजिट फ्लोर स्केंस है इसका कंपोजिट पुष्प यानी कि समग्र पुष्प क्रम है इसका तो इसके लिए इसको जाना जाता है लगभग 9 सेंटीमीटर का इसका फुलवा बना है मिला के अगर हम बात करें तो इसीलिए सबसे बड़ा है और इसीलिए खास है पूरी दुनिया के अंदर जो मैंने बताया एक सौ तीसिस पाई जाती है और उनमें से सबसे बड़ा है ठीक है वैसे भारत के अंदर ये स्पीशीज कहां पाई जाती है वेस्टर्न घाट के अंदर ये वाली जो स्पीसीज है जो सबसे बड़ा फुलवा बना है ना ये एंडेमिक है और ये एंडेमिक का मतलब है बस यही पाई जाती इतना बड़ा फुलवा वैसे तो 130 सौ पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर इसकी एकाइनोपस की लेकिन जो सबसे बड़ा फुलवा है वो कहां पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर एंड दिस इज बेसिकली एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट केवल और केवल जो है वेस्टर्न घाट के अंदर में आपका पाया जाता है ठीक है काहे दिक्कत हो रही है लेट मी चेक दिस मयंक उपाध्याय ओके मयंक आई विल चेक चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इट इज नेम्ड आफ्टर द सहयादरी माउंटेन इसके बाद ये सहयादरी माउंटेन के ऊपर पाया जाता है नाउ देखो वी हैव द एक्सेस ऑफ द चैनल आई कैन ब्लॉक एनी वन ठीक है तो अगर आप बकवास करोगे ना तो तुरंत ब्लॉक हो जाओगे ठीक है तुरंत इंस्टेंट तो इट इज ए माउंटेन विच इज पहले जो आप बोल रहे हो ना इसके लिए पहले कोई काम करो ऐसा ठीक है कुछ बड़ा काम बुरा मत मानना फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज ऑल द गर्ल्स फॉर सच काइंड ऑफ द ये जो बिहेवियर होता है दोस्तों बिकॉज ये लड़का है तो हम भी लड़के हैं तो ये हमारी प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ऐसे इस प्रकार के गलत प्रकार के लोग हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा संवेदनशील बनो यार सभी बच्चे है ना जो जो भी हैं जो यहाँ पे कुछ कमेंट करते हैं ना ये कमेंट करने से पहले ये भी सोच लिया करो हो सकता है हमारी बहन हमारी बहन या हमारी जो है कोई भी रिलेटिव जो है हो सकता है वो इसको देख रहे हो तो क्या आप उनको ऐसा बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते तो यहाँ पे भी मत बोलो यार ठीक है ये थोड़ा सोचा करो जब भी आपको लगे ना कोई भी ऐसी चीज करने से पहले ना जब आप लड़कियों के बारे में कोई कमेंट्स कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो जस्ट मतलब एक बार सोचा करो बैठ के कि यही चीज मैं अपनी मम्मी या अपनी बहन को बोल सकता हूँ अगर आप आपको लगे कि हाँ मैं बोल सकता हूँ तो बोलो नहीं लगे ना तो फिर मत बोलो ठीक है थोड़ा सा बैठ के ना इन चीजों को सोचा करो यार बड़े हो रखे हो ठीक है कोई बच्चे नहीं हो आप बोलते हो कि सर हम आई की तैयारी कर रहे हैं तभी तो ये चैनल देख रहे हो और अगर आप सही में तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आपका फिर ये जो बिहेवियर है जो तरीका है ये ठीक है ठीक है मुझे लगता नहीं सो मेक श्योर कि आप इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दो इट इज नेम्ड आफ्टर द सहयादरी माउंटेन्स अगली बात करते हैं दोस्तों तिरंगा यात्रा इन जम्मू कश्मीर जो आज ही का दिन जो है दोस्तों ये डे डे माना जाता मतलब इसी दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह थे ना उन्होंने भारत के साथ में कनेक्शन बना लिया था अपना की ठीक है मैं भारत के साथ में अपनी टेरिटरी को कनेक्ट करता हूं जोड़ता हूं ठीक है सो उसी दिन को मनाया जाता है एज अस एन असनशन डे असंशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है अब कश्मीर में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो तिरंगे झंडे को मानने से इंकार करती वो मैं, वो कहती कहता क्या है कि नहीं तिरंगा जो है वो हमारा झंडा नहीं है तो उन्हीं पार्टियों को बताने के लिए और असंशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपकी चल रही है तिरंगा यात्रा क्या चल रही है तिरंगा यात्रा बिल्कुल सही सुने आप तिरंगा यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में अभी चल रही है ऑन द ईव ऑफ द असेंशन डे है ना भारतीय जनता पार्टी इसको ऑर्गेनाइज करा रही है दोस्तों ठीक है पहली बार जो असेंशन डे जिस दिन महाराजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के उन्होंने आपका जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था ना उस दिन को हम असेंशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और आज जो है वो कार्य आपका हो रहा है और उसी असेंशन डे के ऊपर जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या किया जा रहा है दोस्तों उसी असेंशन डे के ऊपर यहाँ पर आपका तिरंगा यात्रा जो है आपकी वो स्टार्ट की जा रही है ठीक है तिरंगा यात्रा जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी कि बीजेपी ऑन मंडे ऑर्गेनाइज द तिरंगा यात्रा इन द ट्विन कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द असेंशन डे व्हेन देन महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन विदिया इन फोर्टी सेवन दिन जो महाराजा हरि सिंह उन्होंने भारत के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन जो है साइन किया था तिरंगा यात्रा की बात कर रहा हूं मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन जो है ना विद इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एज द डे वॉज ऑल्सो डिक्लेयर हॉलीडे फर्स्ट टाइम सिंस द रीजन वॉज डेजिग्नेटेड द यूनियन टेरेटरी लास्ट

ये मैसेज है उन पार्टियों के लिए जो तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं मानते है ना जो ट्राई कलर को अपना झंडा नहीं मानते ना उनके लिए एक ये संदेश है ये कि भाई ट्राई कलर जो है वो एक संदेश है तिरंगा झंडा जो है कि आप नहीं मानते तो आपके लिए संदेश है कि मान लो ठीक है इसीलिए हम ये यात्रा ऑर्गेनाइज करा रहे हैं दीज पार्टीज हैव बीन एक्टिंग लाइक अ वायरस फॉर दैट लास्ट सेवेंटी ईयर एंड वी आर नॉट विलिंग टू देयर स्प्रेड एनी स्प्रेड देम एनी मोर ये मैनी कह रहा बीजेपी का कहना भैया ये जो पार्टीज हैं ये वायरस की तरह हैं और पिछले सत्तर साल में भारत देश को खोखला करती जा रही है और हम इनको अब टोलरेट नहीं करेंगे खैर ये अपने काम की नहीं है अपने को पता होना चाहिए असेंशन डे क्या है बस उसके बारे में बात होनी चाहिए इट इज टू हॉइज द ट्राई कलर टू सेंड अ मैसेज टू द मेंबर ऑफ पीपल अलायंस फॉर द गुपकर डिक्लेरेशन ट ओनली द नेशनल फ्लैग विल रिमेंस इन द कश्मीर ये कहना है देखो यार भारत का ही तो भाग जम्मू कश्मीर तो वहां पर झंडा भी भारत का होना चाहिए स्टेट फ्लैग जो इंडिया का जो ट्राई कलर है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया वो भारत देश के ही तो हिस्से है।, है ना अगली बात करते हैं दोस्तों देखो यार आप सभी को जानते हैं ठीक है डब्ल्यू एच ओ ने क्या बोला है ना डब्ल्यू एच ओ ने बोला है कि जो यूपी है यूपी अपने आप में मतलब यूपी अपने आप में मतलब एक ब्रांड है ठीक है और ब्रांड कहा है जब भी जनसंख्या का नाम आएगा ना यूपी एक ब्रांड है ठीक है जनसंख्या को बढ़ाना हो तो यूपी के पास जाओ ठीक है यूपी उस चीज में समाधान प्रोवाइड करता है चलिए मजाक कर रहा हूं तो दोस्तों हुआ क्या जनसंख्या है ज्यादा यूपी के अंदर में है ना और अब कोरोना वायरस के संक्रमण जो है वो ठीक है वो बढ़ रहे हैं लेकिन जो आपकी रेट है जो सही होने की वायरस है वो भी 90 परसेंट पहुंच गई है फर्टैलिटी रेट मोर्टैलिटी रेट जो है कोरोना वायरस से मृत्यु दर जो है वो लगभग आपका दो परसेंट तक आ गई है बट स्टिल यार भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या है अगर एक लाख में से दो परसेंट भी मैं मान के चलूँ तो आप मान के चलो अगर एक लाख है तो उसमें से अगर दो परसेंट मानू भारत की जनसंख्या तो एक 140 करोड़ के आसपास है उसमें से भी दो अगर लोगों की मृत्यु होती है ना तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, है ना तो अब ठीक है वैक्सीन आने वाली होगी आ जाएगी दो तीन चार पांच महीने के अंदर वैक्सीन आ जाएगी और जब वैक्सीन आएगी तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर स्पेशली यूपी तो यूपी को एडवाइस किया है कि इसने डब्ल्यू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूपी को बोला है कि भैया जो तुम्हारा पोलियो का नेटवर्क है ना नो डाउट यार पोलियो नेटवर्क ने बहुत काम किया अच्छे से काम किया जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था है ना दो बूंद जिंदगी की उसने क्या किया दोस्तों भारत के हर हिस्से के अंदर जाके है ना हर हिस्से के अंदर में जाके दोस्तों उसने क्या किया है उसको प्रमोट जो किया जो पोलियो को रेडिकेट करने में मदद की और उसी के फलस्वरूप हम पोलियो से फ्री हो पाए कल देखा था ना 24 अक्टूबर को हम पोलियो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो हमने कल ही इसके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों जो पोलियो नेटवर्क है ना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कोविड नाइनटीन के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों सो पोलियो नेटवर्क टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कोविड नाइनटीन कोविड नाइन्टीन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है ये प्ले करेगा तो डब्ल्यू एच ओ ने यूपी को बोला भैया कि तुम अपने जो पोलियो नेटवर्क है ना उसका इस्तेमाल करना टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने में यू कैन यूज योर पोलियो नेटवर्क है ना तो पोलियो नेटवर्क ने बहुत कमेंडेबल काम किया टू रेडिकेट द पोलियो सो यही है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया साइटिंग यूपी एज एन ऑफ अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी फ्रॉम द पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम टू हेल्प द कंटेन द कोविड नाइनटीन ना सोच सॉरी इसके एग्जाम्पल को यूपी जिस प्रकार से इसका उपयोग करने के लिए प्लान बना रहा है ना कि अपने कोविड नाइनटीन जब ठीक है वैक्सीन आ जाएगी तो किस प्रकार से वो उसका इस्तेमाल करके इससे फाइट करेगा तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द कंट्री यूज पोलियो दुनिया भाई साहब उत्तर प्रदेश भारत का ही नहीं अगर मैं दुनिया के स्टेट्स में ही बात करूं तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर में अगर अगर किसी स्टेट में पॉल्यूशन की बात पॉपुलेशन की, की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और क्रेडिट जाता है यूपी के युवाओं का ट्वाइस इन द लास्ट थ्री मंथ टू द लैक्स ऑफ पीपल्स द कोविड है ना तो यूपी का एग्जाम्पल दिया है और ये भी रहा है कि समय में जब वैक्सीन आएगी ना तो यूपी का जो ये नेटवर्क है, है ना पोलियो को रेडिकेट करने के लिए उसने चलाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे भी ठीक है समझ पा रहे हो आप ओह मजा आ गया सर हंसी आ रही है बहुत ज्यादा कितने खुश हो रहे हो कितने खेल खिला रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्राउड टू बी यूपियन यार प्राउड टू बी एन इंडियन प्राउड टू बी एवरीथिंग है ना चलिए सो गाइज एक बार देखो यार लाइक like तो कर दो सेशन को ठीक है प्लीज गाइज लाइक द सेशन और शेयर किया करो इसको मैक्सिमम है ना नया चैनल है अपना दोस्तों अपने को चैनल बिल्ड करना अपना परिवार है बड़ा करना है अपने आप अप, अपने को ठीक है सो मेक श्योर आप सभी बच्चे जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ठीक है वैसे करते नहीं है मेरे पास टेलीग्राम पे इतने बच्चे हैं अगर वो सारे सब्सक्राइब कर लेना एक दिन में बट करते ही नहीं है सहन सा है सर नहीं करेंगे बताओ क्या करोगे भाई कुछ नहीं कर सकते धीरे धीरे करेंगे जिनको लगेगी हाँ जरूरत है तो कर लेंगे वो लेकिन अभी नहीं करना चाहते भाई क्या करें है ना सहन सा है भाई है ना समझ रहे हो चलिए तो दोस्तों अभी जल्द ही अपने प्लस कोर्स भी आने वाले हैं मैं बताऊंगा उनके बारे में तो एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दो और सुनो जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप देखो नीचे ये नया चैनल है दोस्तों करंट अफेयर वन जीरो वन है ना सब्सक्राइबर बहुत कम है यार सो एक बार जाओ जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का उसको दबाओ ठीक है उस पर आप भी अपना पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाओ है ना और उसके हर कोने में पहुंच के उस बटन को सब्सक्राइब करवाओ फटाफट से उसको सब्सक्राइब करो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि जो करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज हैं जिसमें आप बहुत इच्छुक हैं उनके तो वो आपको यहां पर बिल्कुल अप टू डेट रहोगे आप टाइम से सारी की सारी करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो आपको मिलती रहेंगी ठीक है मेक श्योर की आप ये कर लो दोस्तों और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों इस चैनल को तो ये हमने बता दिया बाकी आपको पता है दोस्तों आज शायद मैं टेस्ट भी करूंगा करंट अफेयर बेस्ड में टेस्ट भी लेके आ रहा हूं दोस्तों तो आप आज स्पेशल क्लास के ऊपर होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा कब सो so बेटर है कि आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो अन अकेडमी ऐप के बाद में आपको यूपीएससी सीएससी में जाना है दोस्तों उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको ड्यूरेशन चूज करना है तो मैं बता दूं अभी दो सब्सक्रिप्शन अलग अलग हो जाएंगे यह कब है दोस्तों यह आपको करना पड़ेगा आफ्टर थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 31 अक्टूबर के बाद में आपको ऑप्शनल के लिए अलग से परचेज करना पड़ेगा और 24 महीने का ऑप्शनल जो है वो कितना है छत्तीस हजार बारह महीने का ऑप्शनल कितना है लगभग पच्चीस हजार रुपए का और जीएस के लिए अगर आपको करना है तो 12 महीने का जो कोर्स है वो उनचास हजार पांच साथ ही साथ 24 महीने का कोर्स जो है वो बहत्तर हजार लेकिन इकतीस अक्टूबर से पहले करते हो तो इसी कोर्स में आपको ऑप्शनल जो है वो फ्री मिल जाएगा ठीक है मेरे ऑप्शनल के कोर्स और आपका जो जीएस का कोर्स है दोनों कोर्स अभी आने वाले हैं तो मेक श्योर sure आप सभी बच्चे जो है जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें ठीक है मैं जल्दी ही कोर्स लेके आ रहा हूं 28 तारीख से मैं अपना कोर्स रिलीज कर दूंगा पूरा कोर्स प्लान जो है वो आपके समक्ष रख दूंगा सो फटाफट जाइए दोस्तों फटाफट इसको क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस कोर्स को ठीक है चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद